assalamualaikum dear student today we will discuss the linear combination in the multivariate analysis so what is the linear combination today we will discuss what is the linear combination let we have y y which is equals to the amount of money you have spent in a shopping trip which is equals to x1 plus x2 where x1 equals to how many books you want to buy and x2 how many bag of chips you want to buy so dollar 30 is using for amount of books you want to buy the money amount of books and the dollar 5 is how many bag of chips the amount of money how many bag of chips सो दिस इज अनियर कॉम्बिनेशन जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंड के लिए कि वाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन द लीनियर कॉम्बिनेशन इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू रैंडम वेरिएबल्स बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम अपने वेरिएबल्स को मीन्स एक्स वन एंड एक्स टू को हमने ट्रांसफॉर्म किया और न्यू वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कराया विच इज इक्वल टू वाई सो इसकी बेसिक डेफिनेशन अब आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है Let x x is a vector be a p-dimensional random variable with expected value of x equals to mu. Previous have the ki, ki expected value of any random variable which is always equals to the population parameters, that is mu. And variance of x equals to sigma, and sigma stand for variance covariance matrix. And a is a vector of constant of order p into 1. यानी ए हमारे पास क्या है ए इज अ वेक्टर ऑफ ऑर्डर p पी देन म्यू इज अ स्केलर वेरिएबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स विद एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज म्यू एंड वेरियंस ऑफ एक्स ए ट्रांसपोज सिग्मा ए बेसिकली हमारे पास क्या है वाई वाई इज अ रेंडम वेरिएबल जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वाई विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एक्स और हमने ए क्या क्या है ए विच इज इक्वल टू दी इंटू वन रेंडम वेरिएबल्स इज दू एसपोज एक्स नॉट टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई विच इज इक्वल टू ए ए ट्रांसपोज इन टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वी नो दैट इज दैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स

ट्रांसपोज वेरियंस ऑफ एक्स ए अब इसको जर्नल हम कैसे लिखेंगे विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज वेरियंस ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक सेगमा एंड ए एज यू नो दैट के वेरियंस हमारे पास किसमें होता है स्केयर फॉर्म में होता है स्केयर फॉर्म में हम वेरियंस को लिखते हैं तो यहां पर अब आपके पास स्केयर फॉर्म क्या है ए ट्रांसपोज ए लिखने का मेथड हम वेरियंस ऑफ वाई ले रहे हैं यानी कि जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में उसकी ट्रांसफॉर्म की है ऑफ इज टू ए ट्रांसपोज सिग्मा सिग्मा ट्रांसपोज भी हम ले सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन देखेंगे कि मेट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन या वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन कैसे एग्जिस्ट करती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर लेंगे सो इन जनरल कंसिडर द क्यू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी रेंडम वेरिएबल एक्स वन एक्स टू अपू सो ऑन एक्स पी सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशनियर कम्पाउंड एक रैडम वेरियबल जैसे मैंने भी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल दी थी बुक्स की और चिप बैग ऑफ चिप्स की इसी तरह हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अप टू सो ऑन हमारे पास कितने वेरिएबल है पी रैंडम वेरिएबल्स हैं विद कॉन्स्टेंट सी वन पी तो आपके पास बेसिकली क्या हो गया ये एक वेक्टर होगा इसको मैं आपको बताती हूँ हमारे पास क्या हो गया जी विच इज इक्वल्स टू जी वन जी टू अप टू सो ऑन जी पी एक वेक्टर हमारे पास है जिसको हमने लाइट कर दिया विच इज इक्वल्स टू जी अब ये वेक्टर किस ऑर्डर का कितनी आपके पास रोज है हाउ मेनी रोज तो p इन टू वन पी रोज एंड वन कॉलम सिमिलरली द कॉन्स्टेंट वैल्यू सी वन वन सी वन टू अपू सो ऑन सी कहां पर वन p सी टू वन सी टू टू अपू सो ऑन सी टू पी न लास्ट ए सी क्यू वन अब टू सू ऑन सी क्यू and C Q P ठीक है जैसे ये आपके पास है सी वन वन सी वन टू सी वन पी ये सारी कॉन्स्टेंट वैल्यूज को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखा है अब ये ऑर्डर कितना है हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इन दिस सो वी हैव क्यू रोज एंड पी कॉलम ठीक है क्यू रोज एंड पी कॉलम्स का ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई है सो एक्स वन एक्स टू अपू सो ऑन एक्स पी इसको अब हम फर्दर कैसे लिखेंगे दिस इज दैक्टर ऑफ एक्स वन एक्स टू अपू सो ऑन एक्स पी हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स इन दिस सो हेर इज दी रोज इन टू वन कॉलम तो P क्रॉस वन so, का ये हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा ठीक है जो आपके पास वहां पे जर्नल फॉर्म थी अब मैं इसको जर्नल कैसे लिख सकती हूँ जी

पी random वेरिएबल्स x1 x2 up to so on xp as ये आपके पास पूरी लीनियर कॉम्बिनेशन थी अब लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है हमने अपने वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म किया जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल x1 x2 को ट्रांसफॉर्म किया था इसी तरह ये आपके पास पूरा एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस में लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है या कैसे इसको हम एक्सप्लेन करें आपके पास ये मैंने सॉल्व कर दिया ओके okay, अब हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं नाउ एग्जाम्पल वन इज द डिटर्मिन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द मीन एंड वेरियंस ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ मीन एंड को वेरियंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री ना वी है थ्री रैंडम वेरिएबल्स एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री हमने उसका क्या फाइंड करना है मीन एंड वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक से वो हमने find करना है। हम कर रहे हैं। बट कंडीशन इज इफ एक्स वन इंडिपेंडेंट फर्स्ट टू फिफ्थ हमने ये सारे पार्ट सॉल्व करने हैं बट कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है इंडिपेंडेंट तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है डिटर्मिन एक्सप्रेशन ऑफ द मीन एंड दस अब आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है

ये आपके पास क्या है सिग्मा वन टू बट द कंडीशन इज एक्स वन एंड एक्स टू आर इंडिपेंडेंट इट मीन्स जब आपके पास वेरियंस कोम वेरियंस मैट्रिक्स होती है सिग्मा की तो हमारे पास ये जो डायगनल एलिमेंट्स है ना दीज आर दी देरियंसिस हैं एंड ऑफ डायग्नल आर दी को वेरियंसिस तो कोवेरियंस जब इंडिपेंडेंट आपके पास है एक्स वन एंड एक्स टू आर इंडिपेंडेंट इट मीन्स कि उनकी कोवेरियंस जीरो के इक्वल होगी इसीलिए हमारे पास सिग्मा वन टू की वैल्यू जीरो है सिमिलरली सिग्मा टू वन की वैल्यू भी जीरो होगी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स जो हमारे पास आ रही हैं इंडिपेंडेंट के लिए वो जीरो के इक्वल होगी तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अपने वन टू फाइव पार्ट जो हैं वो सॉल्व करने हैं नाउ वी फाइंड द मीन एंड वेरियंस लीनियर कॉम्बिनेशन आर एस मीन फाइंड करना है और हमने वेरियंस फाइंड करना है लीनियर कॉम्बिनेशन का नाउ वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वन माइनस टू एक्स टू और उसको हमने खुद से नाम दे दिया विच इज इक्वल्स टू जी यानी कि किसी वेरिएबल के अंडल हमने ले लिया ना ना जी विच इजल अब आपके पास क्या होगा वो जो कॉन्स्टेंट ए हम ले रहे थे ना ए हमारे पास अब क्या है जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है एक्स के साथ हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म क्या है विच इज इक्वल टू वन एक्स टू सेकेंड के साथ हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस टू थर्ड एक्स थ्री एक्स थ्री पर्टिकुलर एग्जाम्पल में है नहीं इस वजह से उसकी वैल्यू जीरो हो गई नाउ

अब फर्दर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वॉट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एक्स ए ट्रांसपोज एक्स तो ए आपको पता है कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट एक्सपेक्टेशन से हम बाय ले लेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होगी रेंडम वेरिएबल पर सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू म्यू सो ए प्राइम म्यू हमारे पास जो हमने ट्रांसफॉर्म्ड किया है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू क्या हो गई ए ट्रांसपोज म्यू सो ए विच इज इक्वल टू वन माइनस टू जीरो एंड म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री पर्टिकुलर हमारे पास आगे अब इसको आप सोल्व करो तो आपके पास क्या है रोज को हम कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वन मल्टीप्लाई बायू वन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई म्यू टू दिस इज दाइनल आंसर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी सो वेरियंस को वेरियंस हमने इसका फाइंड करना है वेरियंट ऑफ जी अभी प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि वेरियंट ऑफ जी कैसे आ रहा है ए ट्रांसपोज वेरियंस ऑफ एक्स इन टू ए वेरियंस ऑफ एक्स को हम क्या लिख रहे हैं सिग्मा वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक सिगमा सो ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सिगमा ए ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है वन माइनस टू जीरो सिग्मा सिगमा हमें पीछे अभी डिफाइन किया है कि सिगमा हमारे पास क्या है सिगमा वन वन को वेरियंस टर्म जीरो हो गई बाकी आपके पास सिगमा की मैट्रिक्स आ गई है इन टू ए ये आपके पास वैक्टर है और यहाँ पे हमने उस वैक्टर का ट्रांसपोज लिया है तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन टू को सो सिग्मा वन 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 मल्टीप्लाई बाय आपके पास रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम तो सिग्मा वन वन मल्टीप्लाई बाय वन सेगमा माइनस टू मल्टीप्लाई बाय जीरो 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 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वन थ्री अच्छा इसको एक और दफा देख लो कि यह आपके पास किस रहे थ्री इंटू थ्री की मैट्रिक्स है और ये फैक्टर आपके पास किस ऑर्डर का है इट मीन्स थ्री इंटू वन का ये आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो रिमेनिंग आपके पास क्या होगा जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो थ्री इंटू वन कि थ्री रोज और वन कॉलम के आपके पास एक वेक्टर जनरेट होगा सो जीरो मल्टीप्लाई बाई वन जीरो माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सेगमा टू टू जीरो मल्टीप्लाई बाई सेगमा टू थ्री जीरो मल्टीप्लाई बाय वन सेगमा थ्री वन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सेगमा दिस माइनस टू सिग्मा थ्री टू जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस ये आपके पास एक वेक्टर आ गया अब ये वेक्टर का ऑर्डर क्या है थ्री क्रॉस वन इट मींस थ्री रोज एंड वन कॉलम इसको अब मल्टीप्लाई करूंगी मैं वन से सो दिस इज दी सिग्मा वन वन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस माइनस प्लस टू टूज फोर एंड सेगमा टू टू जीरो मल्टीप्लाई बाई एनी वैल्यू विच इज इक्वल्स टू जीरो तो ये आपके पास फर्स्ट जो पार्ट था हमारे पास उसका आंसर आ गया द तो वेरियंस ऑफ जी विच इज इक्वल टू तो सिग्मा वन वन प्लस फोर सिग्मा टू टू सिमिलरली द सेकंड पार्ट z विच इज इक्वल टू माइनस एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू अब अगेन जैसे प्रीवियस हमने सारा सॉल्व किया है उसी मेथड को आप फॉलो करो माइनस एक्स इसके साथ कॉन्स्टेंट क्या है माइनस वन एक्स और थर्ड वेरिएबल हमारे पास इसमें नहीं है इसलिए उसकी वैल्यू जीरो आ गई सेम इसी तरह एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ए ट्रांसपोज एक्स हमने ले लिया देन अप्लाई एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड एक्सपेक्टेशन अप्लाई किया है तो आपके पास फाइनल रिजल्ट है ए प्राइम म्यू ए प्राइम माइनस वन थ्री जीरो और म्यू हमारे पास म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री इसवेशन को सॉल्व किया ये रिजल्ट आ जाएगा सिमिलरली जी वेरियंस ऑफ जी विच इज इक्वल टू दिस वन वेरियंस ऑफ जी की आपने वैल्यू निकाल ली है अभी प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि इस मेथड से सॉल्व करना है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास वेरियंस ऑफ जी का ये आंसर आट सी पार्ट लेट जीवल्स टू एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स थ्री यानी अब आपके पास थ्री रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री सो एक्स के साथ कॉन्स्टेंट वन एक्स टू के साथ कॉन्स्टेंट वन एक्स थ्री के साथ कॉन्स्टेंट वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री सिमिलरली ए प्राइम एक्स

सिग्मा, वी नो दैट सिग्मा मेट्रिक्स एंड ए वन 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 अब फर्दर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास यहाँ पे आएगा सिग्मा वन वन ठीक है जीरो से मल्टीप्लाई हुआ प्लस सिग्मा वन थ्री जीरो मल्टीप्लाई बाय वन वन मल्टीप्लाई बाय दिस सिग्मा टू टू एंड वन मल्टीप्लाई बाय सिग्मा टू थ्री वन मल्टीप्लाई बाय सेगमा थ्री वन प्लस सेगमा थ्री टू प्लस सेगमा थ्री थ्री ठीक है अब आप ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे वन मल्टीप्लाई बाय सेगमा वन वन प्लस सेगमा वन थ्री ठीक है वन मल्टीप्लाई बाय सेगमा वन वन प्लस सेगमा वन थ्री थ्री रोज हैं आपके पास अगेन वन मल्टीप्लाई बाय सेगमा टू टू

यहाँ पे लिखा है सिग्मा वन थ्री सिमिलरली सिग्मा टू थ्री एंड सिग्मा थ्री टू इसको हमने कैसे लिखा है सिग्मा टू थ्री आपके पास सिग्मा वन वन सेगमा वन वन है सिग्मा टू टू सिग्मा टू टू भी है सिग्मा थ्री थ्री बट हमने किसको ऐड कर लिया है सिग्मा थ्री वन एंड सिग्मा वन थ्री को हमने एडअप करके ट्वाइस टाइम यहाँ पे लिखा है नो दिस इज दार्ट डी हेयर इज द एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री सिमिलरली आपने उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व किया है वन माइनस टू माइनस वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो हमारे पास आ गया ए प्राइम एक्स सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी विच इज इक्वल्स टू ए प्राइम म्यू अगेन वेरियंस आपने इसका फाइंड कर लेना है वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स हमने ली है ए प्राइम सिग्मा ए उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व किया अब यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपके पास होगा टू सिग्मा वन थ्री इट मीन्स कि आपके पास आ रहा है सिग्मा वन थ्री एंड सिग्मा थ्री वन तो उसको हमने एडअप कर लिया है और एडअप में वो आया है माइनस टू सेगमा वन थ्री यहाँ पे भी आपके पास सेगमा टू थ्री इसको भी आप चेक कर लेना कि सेगमा टू थ्री ट्वाइस टाइम ही आ रहा है या हमने इसको एडअप किया वह सेगमा टू थ्री को सेगमा थ्री टू के साथ नाउ दिस इज दी लास्ट पार्ट थ्री एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स थ्री नहीं ये थ्री एक्स वन होगा थ्री एक्स वन माइनस फोर एक्स टू तो थ्री एक्स वन थ्री हमारे पास कॉन्स्टेंट है माइनस फोर एक्स टू के साथ ये फोर आपके पास हो रहा है और थर्ड हमारे पास वेरिएबल नहीं है इट मीन्स उसकी वैल्यू जीरो है सिमिलरली इसको भी आपने सारा सॉल्व किया तो आपके पास ए प्राइम म्यू ए प्राइम म्यू की आपके पास वैल्यू आ गई माइनस थ्री म्यू वन माइनस फोर म्यू टू एंड दिस इज देरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है फर्दर इसको हमने सॉल्व किया सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया माइ रिज़ल्ट आया नाइन सिगमा वन वन प्लस सिक्सटीन सिगमा टू टू मे भी कहीं कोई एडअप हो रहा है या आपके पास मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज आ रही हैं ये अब आप लोग इसको खुद कैलकुलेट करके देख लेना तो रिजल्ट आपके पास यही आएंगे फिर